नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर लेकर आए हैं हम स्पेशल रिपोर्ट में स्पेशल एपिसोड इस खुशखबरी के साथ कि आज तक के साथ 15 करोड़ दर्शक जुड़ चुके हैं। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक्स के दिन यानी खबर के दिन अगर कोई चैनल दर्शकों की नजरों के सामने था तो वो आपका पसंदीदा चैनल आज तक ही था। लेकिन अब उस गंभीर विषय का रुख, आइए आपको दिखाते हैं पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर और उस पाक अधिकृत कश्मीर में कैसे आतंकियों का आखिरी पनाहगाह बनकर वो हिस्सा साबित हो चुका है। जी हां, आज तक पर पहली बार आप देखेंगे कैसे एक संवाददाता पीओके में जाकर वहां का सच, वहां के आतंकी कैंप्स लेकर आपके सामने आएगा। जी हां, एक एक सच्चाई उस जमीन की, आतंक का पनाहगाह कैसे पाक अधिकृत कश्मीर बना है और कैसे वहां के लोग पाकिस्तान से अब आजादी की गुहार लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, हिमालय की पहाड़ों पर बसा, पहाड़ों से घिरा, खूबसूरती ऐसी कि इसे धरती का जन्नत कहा जाना साफ समझ में आता है। लेकिन आज यहां से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक का कारोबार चलाता है, नफरत की भट्टी जलाता है और आतंकवादियों का कैंप लगाता है। इस पीओके तक आज तक पहुंचा था जहां से आजादी की मांग यहां की फिजाओं में घुली रहती है कि यह हम सब की आवाज है, हमें आजादी मिलनी चाहिए ताकि हम दुनिया के बाकी कौमों की तरह तरक्की करना चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं। वी आर द पीस लविंग पीपल। तकरीबन ये हमारी हिस्ट्री उठाकर देखें, हमने हमेशा पीस को तरजीह दिया। हम चाहते हैं कि हम दुनिया के बाकी कौमों की तरह पीस से रहें, अमन से रहें। वाजपेयी में या हमारे हुक्मरान जो हैं इनमें, अगर ये अच्छी तरीके बात करें दिल महबूब से तो बड़ा बड़ी बात नहीं हो सकते, इंशाल्लाह हो सकते। 1947-48 में जम्मू कश्मीर के इस इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में यहाँ हालात ऐसे बदले, कश्मीर से यहाँ इतने लोग आए कि आज ज्यादा संख्या इन्हीं की है। बच्चों तक को पता है कि वो कहाँ से आए हैं। पहले हम केरल रहते थे, फिर अब हम यहाँ पे रहते। यहाँ ये सातवां साल जा रहा है। सातवां साल, जब आप यहाँ आई तब कहाँ, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले हम कुमसार रहते थे। पहले आप पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का भूगोल समझिए। इसका कुल एरिया करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ रहने वालों की संख्या करीब 30 लाख है। ये पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिनजियांग रीजन से मिलता है। आज तक की टीम इस पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में पहुंची थी और फिर वहां से नियंत्रण रेखा की तरफ करीब 25 किलोमीटर दूर कामसार में और फिर वहां से करीब 20 किलोमीटर आगे नियंत्रण रेखा के करीब तक। यहां झेलम नदी की तलहटी में आतंक के कैंप हैं और ऊपर चढ़ने पर वो घर दिखते हैं जहां से लोग इन कैंपों में ट्रेनिंग के लिए आते हैं या कहें कि जबरन लाए जाते हैं। हमारे कश्मीर से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जो लोग चले गए उन्हें अच्छी तरह याद है कि नियंत्रण रेखा के कटीले तारों के उस पार कौन सी जगह कहां है और उस जगह पे कौन सी इमारत कहां है। पीछे नजर आ रहे गंगा चोटी, ये उस बाग शहर के पीछे है, पहली तरफ तीरगंजी है, उसकी पहली तरफ कोठी है और इस तरफ ये जो आपका उड़ी का साइड और श्रीनगर के साथ साथ बर्फानी पार, पीर पंजाल बोलते हैं इसको, पीर पंजाल है, उससे इधर ये रावलाकोट आ जाता है और पीछे ज़िला पुंछ है और उसका इलाका है। ये आगे गुजरते जाएंगे तो कोटली मीरपुर ये इलाका नजर। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जरूर कर रखा है लेकिन वहां के लोगों के दिलों पर नहीं। उसे लगता है कि वो आतंक के साए में कश्मीर पर जबरन कब्जा कर लेगा। मुजफ्फराबाद जाकर आज तक ने देखा कि कैसे यहां लश्करे तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों तक के हेडक्वार्टर हैं।
आज तक उस हाफिज के अड्डे तक भी गया, खुली आंखों से जाने की मनाही थी। आज तक हिजबुल के सरगना सलाउद्दीन के ठिकाने तक भी गया, जहां से आतंक की बदबू कश्मीर की वादियों में आती रहती है। और उन लोगों से भी मिला जिनके लिए आजादी सपना भी है और शायद फैशन भी। ये सियासी मसला अगर बातचीत से हल हो जाए तो फिर तो बेहतर है, अगर इससे ना हुआ तो फिर जहां 70,000 वहां और 70,000 ये कुर्बानियां इंशाल्लाह जारी रहेंगी। तो फिर आप हमारे साथ रहिए और देखिए कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की तस्वीर कैसी है जिसे आज तक के कैमरे ने देखा है। अशरफ वानी के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, आज तक। कुछ ही लम्हों में अब आपके सामने होंगे आज तक के वो वरिष्ठ सहयोगी हमारे, जो एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर उन आतंकी कैंप्स को बहुत करीब से देखा समझा और उस डर को जो वहां पर पैदा किया जाता है वो भी देखा है। जी हां, मैं मंच पर अब चाहूंगी कि यहां पर जो हमारा स्टेज बना हुआ है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे वरिष्ठ सहयोगी अब आए यहां पर, और प्रसून जी आपके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा जो सिलसिला रहा है पाक अधिकृत कश्मीर का, यहां पर अगर आप इस हिस्से में आ जाए, ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा, आपकी यहां पर तो एंट्री हो गई थी, पीओके में कैसे एंट्री हो गई, क्योंकि मुजफ्फराबाद का वीजा रखने वाले शायद एकमात्र पत्रकार होंगे आप देश के अपने पास। हम और अशरफ वानी पहुंचे थे, और अंजना जब पहुंचे थे हमें लगता है ये दर्शकों को जानना चाहिए कि दरअसल ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो दिखाई दे रही है, इस बात का जिक्र बार बार क्यों होता है कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान कहता है मुश्किल है, भारत कहता है आप इसी लाइन ऑफ कंट्रोल से पार कराते हैं। ये जो लाल लकीर हम बिल्कुल ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, दरअसल ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर चिनार देवदार के पेड़ लगे हुए हैं इस पार और उस पार दोनों तरफ। और दरअसल हम जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गए थे तो मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, जो मुजफ्फराबाद यहाँ पर नजर आ रहा है, ये दरअसल कैपिटल आप कह सकते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का, ये कैपिटल है। ठीक है, इससे तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर इस तरफ आप जब बढ़ते हैं तो मीरपुर आता है। मीरपुर सबसे रईसों की जगह है, यहां के लोग टेररिस्ट नहीं हुए लेकिन इसको पनाह बनाया गया। यहां पर हेडक्वार्टर उस पीरियड में, या आप कह सकते हैं मुजफ्फराबाद जो शहर है, यहां पे जैश ए मोहम्मद, लश्कर, हरकत मुजाहिदीन, सैयद सलाउद्दीन का यानी हिजबुल मुजाहिदीन, और साथ ही हुर्रियत का दफ्तर भी यहां पर था, और हम लोग इन तमाम दफ्तरों में गए थे। लेकिन सवाल यह है कि यह तो नजर आता है कि यहां पर एक फौज है और चारों तरफ से घेराबंदी है, लेकिन जब आप तकरीबन 40 किलोमीटर आगे निकलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, दरअसल ये लाइन ऑफ कंट्रोल से 22 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा है जहां पर आवाजाही तभी हो सकती है जब आप सेना के लोग हों या फिर आतंकवादी हों। आतंकवादी का मतलब यह हुआ कि जो उनको ट्रेनिंग देकर वहां पर से घुसपैठ कराने के लिए ले जाया जाता है। बड़ा जटिल रास्ता है, लेकिन जटिल रास्ता ही ट्रेनिंग का हिस्सा भी है और जटिल रास्ता ही ट्रेनिंग के बाद पार कराने की स्थितियों को भी लेकर आता है। ठीक है, नहीं हाफिज सईद से भी आपने बात की थी, क्यों ना दर्शकों को पहले वो रिपोर्ट दिखाएं फिर आपसे पूछेंगे कि वो पूरा अनुभव कैसा रहा था। हाफिज सईद आजकल तो हम अक्सर उन्हें देखते हैं, कभी यहां पर कभी वहां पर, खूब भाषण देता है हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन वही हाफिज सईद उन दिनों सात पर्दों के पीछे रहता था लेकिन आपसे बात करने को तैयार हुआ था। पहले दर्शकों को रिपोर्ट दिखा दे। यकीन, आतंक की ये खुली दुकान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रही है। हाथों में ऑटोमेटिक मशीन गन और दिमाग में आतंक का जहर इन आतंकी कैंपों के बीच आज तक पहुंचा था। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक सीधी वार्ता शुरू न होने के कारण आज तक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में उस जगह पर खड़ा हुआ जहाँ से 207 किलोमीटर दूर श्रीनगर है, 215 किलोमीटर दूर कील, 81 किलोमीटर दूर चकोटी और उरी। जी हाँ, वही उरी जहां 18 सितंबर को हुए आतंकी हमले से हिंदुस्तान गुस्से में है, और 23 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद, और इस जगह के आसपास ही कहीं खुफिया जगह पर हाफिज सईद का आतंकी ठिकाना। आज तक इकलौता चैनल है जो मुजफ्फराबाद ही नहीं बल्कि पीओके में उससे आगे कामसार और फिर नियंत्रण रेखा के करीब तक पहुंचा, और फिर बेहद गुप्त तरीके से हाफिज सईद के अड्डे तक। आज भले ही लश्कर का ये आतंकी सरगना पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूमता है, भारत के खिलाफ अपनी तकरीर में जहर उगलता है, लेकिन 15 साल पहले जब आज तक की टीम ने इसे खोज निकाला तब वो कैमरे पर नहीं आता था। आज तक से बात करने को वो तैयार हुआ लेकिन शर्त ये लगाया कि उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए।
चीजें कैसे सुलझेंगी? ये हुकूमत पाकिस्तान के कहने से शुरू नहीं हुआ, ये कश्मीर के हालात के पेश नज़र शुरू हुआ है। अगर कश्मीरी लोग मुतमइन होंगे और उनको सही मानों में आज़ादी मिलेगी, इंडियन आर्मी वहाँ से निकलेगी, गन बंद हो जाएगी और मसला हल हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम कभी बंद नहीं करेंगे, कश्मीरी मुजाहिदीन कभी जिहाद को बंद नहीं करेंगे, कभी गन को बंद नहीं करेंगे। क्योंकि कि हमने अफगानिस्तान से रूस की फ़ौज को निकाला था, हम बिल्कुल इसी तरह इंडिया की फ़ौज को निकालेंगे। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच करगिल के युद्ध के बाद तनातनी में लश्कर ए तैयबा ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे तमाम आतंकी संगठनों की पीओके में सक्रियता बढ़ गई। उसी दौर में हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी और अशरफ वानी पीओके में पहुंच गए। वहां आतंक के सबसे बड़े सरगना से इनकी मुलाकात हुई, जो तब कैमरे के सामने तो नहीं आता था लेकिन हिंदुस्तान की तबाही की धमकी तब भी देता था। आपकी कार्रवाई इस रूप में जारी रहेगी कि लाल किले पर झंडा फहराने की बात होगी? हाँ, दिल्ली में हमला होने की बात होगी? बिल्कुल, इंडिया इंडिया अगर नहीं छोड़ेगा कश्मीर को तो दिल्ली में बिल्कुल हमले होंगे। जहाँ से इंडिया की फौज आएगी वहाँ हमले होंगे, बम्बई में हमले होंगे, हर जगह हमले होंगे। जहाँ से फौज आएगी हर बेस कैंप पर हमारे हमले होंगे, ये तो होगा। पाकिस्तानी कब्जे वाले में प्रशिक्षित लश्कर तैयबा के ये नए कमांडोज हैं जो लश्कर तैयबा के लिए कहीं पर भी अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं और कोई भी योजना अंजाम देने के लिए पूरी तरह से न सिर्फ असला से बल्कि साथ ही साथ हर तरीके से प्रशिक्षित किए गए हैं। उन्हें लश्कर तैयबा से कौन सा काम सौंपा जाएगा, कब उन्हें भारत के इलाके के अंदर दाखिल किया जाएगा, वो लश्कर तैयबा के कमांडर तय करेंगे। हाफिज से बात करने के अलावा हमारी टीम ने आतंक के तमाम अड्डों को खंगा रेखा की लकीर खींची है, उसके पास ही आतंकी कैंप चलने लगे। 15 साल में हालात रत्ती भर नहीं बदले। यही वो पुल है, उस पार से आजाद कश्मीर शुरू होता है और इस पार से पाकिस्तान की सीमा खत्म होती है। एक लिहाज से आजाद कश्मीर को कश्मीर वाले आधा कश्मीर मानते हैं लेकिन पाकिस्तान उसे अभी भी आजाद कश्मीर कहता है। और यही पहाड़ी इलाका आतंकियों के लिए वरदान साबित होता है। आतंकियों ने यहाँ अपने संगठन के रसूख के बल पर पैसा बनाया और वहाँ के नौजवानों के हाथों में बंदूक थमाया। आतंकवादी संगठनों में हथियार और काम करने के तरीके यानी कार्रवाई को लेकर भी सहमति नहीं है। सभी संगठन अपने अपने तरीके से कार्रवाई करना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना भी है। पाकिस्तान में ये बहुत साफ माना और देखा जाता है, जो संगठन जितना क्रूड है यानी जितना सख्त है कश्मीर को लेकर, उसको कहीं ज़्यादा उतनी सुविधा उतनी हिफाजत वहाँ मिलती है। ख़ासतौर पर मुजफ्फराबाद जो कि बेस कैंप है तमाम आतंकवादी संगठनों का, वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, बड़े हथियार, कहा जाए अत्याधुनिक हथियार और पैसा यानी फंड के नाम पर वहाँ पर हर संगठन 3 से 5 करोड़ रुपया जमा करता है। तब आज तक की टीम ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन सैयद सलाउद्दीन को भी पकड़ा। मुजाकरात के टेबल पर मुजाकरात को जारी रखना, आगे बढ़ाना और इन सरबराहों का काम है और कश्मीरी क़यादत का काम है। हम लोग तो बाहर सूरत एक मुसल्ले महाज पर लड़ रहे हैं और हमारा मौकफ यह है कि ये हमारी जुदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक ना बुनियादी मसले का हल जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक। साल पहले आतंक का रंग यहाँ बहुत चढ़ा था। हम खुद चीजें बनाते हैं और अभी तक भी अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान 7 लाख जाबरात और फौज रखने के बावजूद उसमें कामयाबी नहीं पाया है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर अंदर चलते हैं, हमारी तरबियत के कोर्स अंदर चलते हैं और हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है। जिन आतंकियों पर भारत को तब भी नजर थी वो पीओके में बैठकर वहां के लोगों का हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। कौम की या हम सब की आवाज़ है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि हम दुनिया के बाकी कौमों की तरह तरक्की करना चाहते हैं। 15 साल पहले आतंक के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पीओके को पाकिस्तान तैयार कर रहा था। आज उसका नापाक मंसूबा वहाँ साफ साफ दिखता है लेकिन जिन आतंकियों को उसने आगे बढ़ाया वो आज उसकी पकड़ से बड़े हो गए और उसी के लिए सिर दर्द। अशरफ वानी के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, मुजफ्फराबाद आज तक। तो आतंक के आखिरी पनाह तक आज तक और हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी वहां पर गए थे। हाफिज सईद तक आप कैसे पहुंचे?
दो चीजें हैं, एक हम लोग लगातार जो रिपोर्ट दिखला रहे हैं उसमें नीलम और झेलम नदी के किनारे जो कैंप्स हैं, ये जो इलाका है, ये देखिए ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा मुजफ्फराबाद का, यहाँ पर हम लोग जिस होटल में ठहरे थे उस होटल का नाम नीलम होटल था, और नीलम होटल से नीचे नीलम बहती हुई नजर आती थी और उसकी जो मिट्टी थी उस पर ट्रेनिंग दी जाती थी। उस तरफ खिड़की होटल की नहीं लगाई गई थी, उसकी खिड़की उल्टी तरफ थी। आतंकवादियों की जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो उस पीरियड में हम लोग देख रहे थे उसमें हर उम्र के लोग, बच्चे भी थे, उम्रदराज भी थे और बड़े बुजुर्ग थे जो कि नैतिक तौर पर बल देते थे। और ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, जो खास तौर से जो नदी ये बह रही है, दरअसल ये इसका जो एंट्री पॉइंट है जिसका जिक्र अब बार बार होता है कि इससे पार करके ही बारामूला या उड़ी तक आतंकवादी पहुंचते हैं। इन जगहों पर ट्रेनिंग की स्थिति इस रूप में थी कि सेना की गाड़ियां, चूंकि हम लोगों ने ये दरख्वास्त वहां पर की थी कि हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हिंदुस्तान की तरफ देखना चाहते हैं, चिकोटी का इलाका जो कि एक लिहाज से आप कहें बिल्कुल बॉर्डर के करीब था, वहां तक हमको ले जाया गया था। वो पूरा सेना की गारद आगे पीछे चल रही थी, वहां के जो टेररिस्ट लड़के थे, जो एक दो लड़के आपको स्क्रीन पर भी नजर आएंगे जिनसे हम लोगों ने कमांडर के तौर पर बातचीत की थी, वह इन इलाकों में चलते थे। और बड़ा महत्वपूर्ण यह है, हम लोग जब सड़क से जाते थे गाड़ियों से, वो लड़के जो थे हमसे पहले आगे मिल गए हमको लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, तो हमने उनसे पूछा आप पहले कैसे पहुंच गए, तो उन्होंने बोला ये रास्ता हमारा देखा हुआ और हम कहीं ज्यादा अनुकूल और तेजी से यहां पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये बहुत साफ है कि जिस बात का जिक्र पाकिस्तान में ये होता है कि दरअसल बहुत मुश्किल है आतंकवादी इधर से पार कर जाए और सेना पार करा दे, दरअसल ये पूरी उस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद से एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद मुजफ्फराबाद में लोग पहुंचते हैं, उनके लिए एक अनुकूल स्थिति रहती है कि वो यहां से पार कराने के लिए ही एक लंबी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। यानी ये अगर कोई सोचता है अंजना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये अगर कोई सोचता है किसी भी रूप में कि मुजफ्फराबाद या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है यह ट्रेनिंग का अड्डा है और ट्रेनिंग के लिए आते हैं और यहां पर शायद हथियारों की ट्रेनिंग होती है, तो दरअसल यहां पर ट्रेनिंग सबसे बड़ी यह होती है कि आप घुसपैठ कैसे करेंगे। ये शायद इसीलिए जटिलता स्थिति इसीलिए बनाई गई है क्योंकि अलग अलग जगहों पर भी ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन यही क्यों, यही एक सवाल है। पास है और वहां से फिर घुसपैठ की शुरुआत होती है, घुसपैठ की अलग ट्रेनिंग होती है। लेकिन आज तक की टीम जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी थे और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे अशरफ वानी, दरअसल पीओके में जो लोगों का दर्द है वो भी कई मायनों में सामने आया था। ये रिपोर्ट, फिर उस पर चर्चा। ये बच्चे अब जवान हो गए होंगे। 15 साल पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आजाद होने का सपना इन बच्चों की आंखों में भी था और यहाँ की बूढ़ी और अनुभवी आंखों में भी। कुछ आजादी है तो और क्या, कौन जाने मरवाता है बिला वजह। आजादी के लिए इतनी शहादतें पाई, 17-80 हजार तो हमारे कश्मीरी जहाँ पाक हुआ, तो आजादी के लिए तो और क्या, हमें और क्या चाहिए। हमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मैदान कम है, पहाड़ ज्यादा, रोजगार के साधन आज भी कम हैं, तब तो और भी कम थे। लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ पर आपको खुद भी जानते हैं कौन सी फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज हैं या कुछ ऐसा कोई बात है, मजदूरी नहीं यहाँ पर मिलती हमें, तो क्या करते हैं। वहाँ तो अपनी जमीन थी, जायदाद थी, जो भी कुछ करते हैं खाने पीने के लिए होता है। यहाँ तो हर चीज लिहाज से हमें मुश्किल आती है ना, पानी ये कि हम फ्री मिलता है, बाकी कौन सी चीज है जो हमें पैसे के लेने नहीं पड़ती। यहाँ ज्यादातर लोग कश्मीर से ही आए हैं। इन्हें इस बात का मलाल है कि कुछ नाते रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं और कुछ जबरन पाकिस्तान के कब्जे में। हम आजादी चाहते हैं, मकबूजा इलाका आजाद होना चाहिए और हम सब एक जगह बैठकर अपनी जिंदगी गुजार सके। इस लकीर ने हमें आपस में इससे जुदा कर दिया है, सारे एक तरफ है और दाढ़ दूसरी तरफ है। ये आप खुद ये नजर लगा सकते हैं, माँ उधर है, बेटा इधर है, बाप इधर है, भाई उधर है, तो इसमें तो हमें बहुत इस वक्त हमारी जिंदगी भी अजीर्ण है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने हालात को काफी बिगाड़ा है। 15 साल पहले भी इन लोगों के दिमाग में पाकिस्तानी हुक्मरान और उनके शह पर चलने वाले आतंकी संगठनों ने ये बात बिठा दी कि कश्मीर में भारतीय सेना लोगों का दमन करती है। तब आज तक ने जब पीओके के मिजाज को भांपा तो ये बात खुलकर सामने आई। कुछ घर ऐसे हैं जिनके सामने खींची गई है
उनका मवेशी चला जाए या इधर की आर्मी, चाहे वो एक आदमी कुछ भी ना करता हो, अच्छी जिंदगी अपनी गुजारता हो, मगर यहाँ वहाँ की सिक्योरिटी या आर्मी उसे सताती है। हिंदुस्तान से आजादी के जहरीले सपने पीओके के लोगों के जहन में इस कदर भरे गए कि धीरे धीरे वहां आतंकवादियों को पैर पसारने में मदद मिली। 15 साल पहले लोगों के दिमाग में इतना जहर नहीं भरा था। जब हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी और अशरफ वानी ने लोगों से बात की तो समझ में आया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से उन्हें बड़ी आस थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक सीधी वार्ता शुरू न होने के कारण यहाँ के लोग निराश तो हैं, लेकिन सीज फायर के बाद से सीमावर्ती इलाकों में जो फायरिंग बंद हुई है उससे लोगों में खुशी है कि कम से कम उनकी आवाजाही बढ़ गई है। पीओके के लोगों का मिजाज आज तक ने उस दौर में भांपा था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा शिखर वार्ता के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। इन 15 सालों में झेलम में बहुत पानी बह चुका है और वहाँ के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। कामसार, पीओके, आज तक। ये लश्कर, ये चीज क्या है, कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे पीओके में इतने लोगों को बरगलाते हैं? देखिए, हमको लगता है कि चार सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब है कश्मीरियों को आतंकवाद में अपने साथ जोड़ना। लश्कर का मतलब है हथियारों के साथ दुनिया भर में सबसे बड़े गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत लश्कर ने खुद को खड़ा किया, अलकायदा से भी बड़ा है। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और जैशे मोहम्मद का मतलब था इस्लामिक टेरर, इस्लामिक कट्टरपंथ के आसरे चलना। हुर्रियत इन सब के बीच अलगाववादी पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता से बार्गेनिंग करने की स्थिति में था और वहां पर जो आवाम थी, जो लोग मौजूद थे, उनको ढाल बना के ये चारों संगठन कार्रवाई करते थे। पाकिस्तान के भीतर लश्कर का मतलब क्या है, सिर्फ आतंकवादी संगठन नहीं है, बताएंगे आपको। ये पूरा विस्तार से जानेंगे प्रसून जी से। जो गए थे पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में, जिन्होंने आतंक के उन कैंपों को अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों से बातचीत की है, उस मानसिकता को समझा है जिसके जरिए युवा वहां पर आतंक की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं कि कैसे आज भी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं और उसी पीओके में आतंकी कैंप्स के खिलाफ अब आवाज उठ रही है, ये जो युवा आतंक की तरफ उनको उनका रिक्रूटमेंट एक तरह से होता है, उनके बारे में बताइए, ये कौन लोग होते हैं, कैसी मानसिकता होती है तो, और अलग अलग संगठनों में कैसे पहुंच जाते हैं वो बता दें। लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं हम लोग पहली बार गए, एक चीज थोड़ा साफ कर दें, अब्दुल गनी लोन के बेटे की शादी वहां पर अमनुल्ला खान की बेटी से हुई, उसमें कुछ पत्रकारों को ले जाया गया था, ठीक है, लेकिन वो पत्रकार वहां रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे, उनको ले जाया गया, शादी का फंक्शन था और लोन साहब ने शादी के बाद फिर वापस आ गए, इस्लामाबाद आके चले गए। तो कुछ पत्रकार गए जरूर हैं लेकिन वो घूमे नहीं है, वहां पर एक खास फंक्शन भर में, ना ऐसी रिपोर्ट उन्होंने नहीं, ऐसी रिपोर्ट संभव ही नहीं था, वो कैमरा वहां नहीं वो चला पाते थे। हम लोग बाकायदा गए थे, हम और अशरफ वानी गए थे। दूसरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके की टेररिज्म वहां पर है, वो टेररिज्म एक रोजगार भी है, रोजगार इस मायने में क्योंकि लश्कर ए तौबा उसी वक्त से जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था वो सबसे ज्यादा पेड मास्टर था उस पीरियड में भी और आज भी है, और उसका मतलब सबसे ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो आप लश्कर में आ जाइए। इसमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कश्मीरी टोपी होती है वो पहनते हैं सैयद सलाउद्दीन के साथ जो टेररिस्ट रहेंगे वो पहनेंगे, जो कश्मीरी टोपी है, जो अफगानी टोपी है वो लश्कर के लोग पहुंचेंगे, जो इस्लामिक टोपी है वो जैश के लोग पहुंचेंगे। और जब आप उस हिस्से में शरीक हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके लिए जब रिक्रूटमेंट होती है तो वो लोग बकायदा सीवी रहता है, हम लोग उस पीरियड में थे, हम और अशरफ वानी बैठे हुए थे वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जब देखते थे किस तरीके से भर्ती हो रही है तो उससे पूछा जाता था कि आपने कहाँ काम किया है, आप कश्मीर के किस हिस्से से हो, या अफगानिस्तान में आप कहाँ पर किस रूप में काम कर रहे थे, अच्छा आपने इस रूप में काम किया है तो आपको वहां पर क्या मिलता था। और लश्कर में शामिल होने के लिए जो पावरफुल टेररिस्ट हम कह सकते हैं उनका सहयोग लेके भी वो लोग एंट्री करते थे, ये सारी चीजें। पिछली जगह का पेस्लिप दिखाइए, उसके हिसाब से फिर इंक्रीमेंट तय करेंगे, लेकिन सबसे ऊपर कौन होता था ताकत सैलरी के मायने में, सबसे ऊपर लश्कर। लश्कर सबसे ऊपर था उस पीरियड में भी था और आज भी है। और उसके बाद? उसके बाद जैश था। जैश के पास दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथ के आसरे जो उसके पूरे पाकिस्तान और तालिबान के इलाके में जो फैलाव है वहां से बड़ी तादाद में पैसा उस पीरियड में आता था। आज उसकी क्या स्थिति नहीं कह जा सकती, लेकिन लश्कर के बारे में इतना लिखा पढ़ा जा रहा है और हम लोग लगातार जानते समझते हैं तो वो मैक्सिमम पे मास्टर भी है। हिजबुल मुजाहिदीन में क्या फिर से जान फूकी गई है, क्योंकि बुरहान वानी जैसे ये जो युवा इधर वाले हिंदुस्तान के भी कश्मीर से उधर
आकर्षित हो रहे हैं, क्या हिजबुल में बहुत पैसा पंप किया गया? अंजना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में एक वक्त चुनाव लड़ रहा था और चुनाव लड़ने के वक्त में 1987-88 के दौर में वो जब पाकिस्तान में चला गया तो पाकिस्तान के पास सही मायने में कोई मोहरा अगर है तो सैयद सलाउद्दीन है और हिजबुल मुजाहिदीन है। हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाउद्दीन के आश्रय ही कश्मीर में वो पूरे आतंक को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस मैसेज को भी कर रहे हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको ये इंटरप्रेट करने में उनको आसानी होती है क्योंकि सैयद सलाउद्दीन उनके पास है। ये सरकार को भी समझना चाहिए कि जिस दिन सैयद सलाउद्दीन को वहां से ले आया गया किसी भी रूप में, ये शायद स्ट्रेटजिकली सैयद सलाउद्दीन हिंदुस्तानी है, बिल्कुल यकीन है। इसीलिए शायद इस तरह से वो लोगों को प्रभावित भी कर पाता है। दिलचस्प ये भी है कि बुरहान वानी जैसे ये जो हिजबुल के कमांडर्स हैं जिनको न्यू मिलिटेंसी के तौर पर घाटी में देखा जाता है वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पीओके की बात हो रही है तो क्यों ना आपको आज की रिपोर्ट एक जानकारी और हम दे दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लश्कर को लेकर जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है और हम लोग जब जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल ये मुजफ्फराबाद का इलाका है पीओके में, दरअसल लश्कर का मतलब सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान एयरलाइंस हो, चाहे वहां का होटल हो, चाहे वहां की अलग अलग जगहों पर कामगार हो, ट्रेड यूनियन भी उनकी काम करती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जमातुल दावा जो नाम चलता है, जमातुल दावा बाद में दिया गया, 9/11 के बाद उसको क्रिएट किया गया, ये कहते हुए किया गया कि वो सामाजिक कार्य करेगा। सामाजिक कार्य का मतलब ये था कि जब भूकंप आ गया तब वो नजर आया या किसी तरीके की कोई मुश्किल हालात के बीच में उन्होंने क्रिएट किया और खुद को हाफिज सईद ने शिफ्ट कर लिया लश्कर की जगह जमातुल दावा। लेकिन अब सच सबको दिख रहा है, सच पीओके में मौजूद लोगों को भी दिख रहा है और इसीलिए आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे पीओके में अब आवाज उठ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कहते हैं यहां 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 जगह हम बता रहे हैं, यहां पर आतंकी कैंप्स है, ये खत्म कर। पाकिस्तान की नवाज सरकार के चेहरे से शराफत का चोला उतर चुका है। पीओके के लोग समझ चुके हैं कि जिन आतंकियों को सरकार पाल रही है वही उनके सबसे बड़े दुश्मन है। मंत्री जम्मू कश्मीर को लेकर टसुए बहा रहे हैं लेकिन हकीकत तो ये है कि उनसे पीओके ही संभल नहीं रहा। आतंक के खिलाफ पीओके में बगावत की ये चिंगारी पाकिस्तान के लिए अलार्म है। दुनिया देख रही है कि जिन इलाकों में पाकिस्तान अपनी सरपरस्ती में आतंक के कारखाने चलवा रहा है उन इलाकों के लोग खुद आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारी माओ के पाक अधिकृत कश्मीर के लोग जान चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके इलाके का इस्तेमाल सिर्फ आतंक के अड्डे। गुस्सा है ये दहशतगर्दी के खिलाफ और इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकी परेशानी दिख रही है लेकिन यहीं पर वो आतंकी जो युवा बन जाते हैं वो रह लेते हैं आराम से और ऐसी परिस्थिति। इस्लामाबाद से तकरीबन 3 घंटे का बाय रोड अगर आप जाते हैं तो मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं, पहाड़ी इलाका है। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर वाकई कोई दुकान नहीं है, सामान नहीं है। इस्लामाबाद में लश्कर हो या हिजबुल हो इनके दफ्तरों में दुकानें हैं जैसे राशन की दुकान होती है और वहां से सामान लिया जाता है, चाहे साबुन हो, टूथपेस्ट हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो या जो चिकन उकन, ये सब हमने लत्ते देखा है, वहां से चलता है और यहां कैंपों में दिया जाता है। इसीलिए कैंप में रहने वाले जो टेररिस्ट हैं ये उस इलाके के वीआईपी हैं लेकिन आम आदमी उस पीरियड में 600 रुपये सरकार देती थी, आज पता नहीं कितना देती है लेकिन सिर्फ 600 रुपये दिए जाते थे, एक महीने में पूरे परिवार को जैसे रहना है रह ले और सामान बहुत महंगा होता था लेकिन इनके लिए सारी सुविधा। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हाफिज सईद की धमकी। वैसे तो 15 साल से दे रहा है, कोई मायने है नहीं उसके लेकिन फिर भी सचेत रहना देश के लिए अभी बेहद। हाफिज सईद की धमकी सुनिए। आपकी कार्रवाई इस रूप में जारी रहेगी कि लाल किले पर झंडा फहराने की बात होगी, हाँ, दिल्ली में हमला होने की बात होगी। बिल्कुल, इंडिया इंडिया अगर नहीं छोड़ेगा कश्मीर को तो दिल्ली में बिल्कुल हमले होंगे, जहां से इंडिया की फौज आएगी वहां हमले होंगे, बंबई में हमले होंगे, हर जगह हमले होंगे, जहां से फौज आएगी हर बेस कैंप पर हमारे हमले होंगे, ये तो होगा। इस आतंक के आका से डरने की जरूरत है? 15 बरस पहले ये सेना और सत्ता के लिए प्यादा थे, आज सेना और सत्ता से ज्यादा पावरफुल है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट में बनने के लिए। आप देखते रहिए।